बढ़िया भैया। कुछ कहना चाहते हैं आज सुबह सुबह बड़ी भाग दौड़ करके आप आए यहाँ पर जल्दी जल्दी में? अभी हम लोग थोड़ा लेट भी आए। नहीं सर, ये तो इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाते हैं। हम 11 बजे का 11 बजे मैं आ गया था, बदनाम मत करिए हमें। ये संजय ने बोला था बोलने के लिए। हाँ तो उनकी साजिश है वो, ठीक है, उनकी साजिश है। ये ऐसा साजिशें करते रहते हैं। अरे बाप रे बाप, पूछिए मत। आज हम लोग अपनी फिल्म का मुहूर्त करने के लिए आए हैं। गाने से मुहूर्त हुआ बहुत अच्छा। अभी हम लोग फिल्म काशी विश्वनाथ पूरा करके आए। हमारे डायरेक्टर सर सुब्बा राव सर जी और SS रेड्डी सर, एक हम लोग सभी लोगों ने, और म्यूजिक डायरेक्टर ओम झा जी, सब लोग मिलके एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म तैयार किए हैं। बहुत मेहनत किए हैं हम लोग काशी विश्वनाथ में, और उसी के आधार पे उसमें बहुत अच्छा हम लोग का हौसला बढ़ा कि हम लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो हम लोग एक फिल्म और, नाम अभी तय नहीं है, हम लोग प्रोडक्शन नंबर 2 करके कर रहे हैं, तो इसका आज मुहूर्त हुआ। सर सुब्बाराव जी, आर्टिस्ट के बारे में, खाली रितेश की मैं पोस्टर पीछे पोस्टर पे देख पा रहा हूँ फोटो, और कोई आर्टिस्ट फाइनलाइज नहीं हुई है फिल्म के लिए अभी तक? नहीं, अभी तक फाइनल नहीं हुआ। अभी रितेश जी के इसमें आप लोग पोस्टर के बारे में बता रहे, हम पूछ रहे हैं ना जी। 2 गेटअप लगाया, ये इसका एक ही लाइन बता सकता हूँ मैं जी। गाँव पे खेत में काम करने वाला जी, हीरो बने को शहर का गई तो उसको क्या प्रॉब्लम आ गया, बट हीरो नहीं बन जाते, उनको क्या प्रॉब्लम आ गया, वो प्रॉब्लम कैसे डील किया, कैसे सॉल्व किया, यही कहानी है। ये कहानी कहाँ से इंस्पायर्ड है, आपने किसी को देखी? नहीं है, ये मेरा ब्रेन से आ गया, मैं ब्रेन से कर रहा हूँ। कोई अभी तक मैं इतना फिल्म किया, वो भोजपुरी के लिए 2 फिल्म में तेलुगु वाला ले लिया जी। बाद में टोटल पूरा मेरा खुद कहानी है, मैं सोच के मैं कहानी लिखे, स्क्रीन पे लिखे, डायलॉग लिखे, उनके बाद स्क्रिप्ट ट्रांसलेशन करके अभी तक मैं पिक्चर बनाया। सब लोग भोजपुरी जनता हम लोग को बहुत देख लिया, दर्शक लोग को मेरा वजह से प्रणाम, वो लोग को बहुत मेरे को रिसीव कर रहा है। आज रितेश पांडे जी के लेके मैं काशी विश्वनाथ फिल्म किया, बहुत अच्छा है, डिफरेंट कहानी है ये। ये अभी रूटीन जा रहा, मैं पहले जयवीर किया, ये भी है, दोनों रिलीज का है, काशी विश्वनाथ भी, डिफरेंट कहानी है। सब दर्शक लोग इसको तारीफ करेगा लग रहा मेरे को, यहाँ से थोड़ा भोजपुरी इंडस्ट्री भी चेंज हो जाएगा। मैं पहले से कैसे कही तोहरा से पैर हो गई, वो फिल्म से नावल्टी कहानियाँ पकड़ रहा हूँ, नावल्टियाँ कर रहा हूँ। क्या है ना, हम लोग नावल्टी दे दिया तो दर्शक लोग देखते, हम लोग रूटीन दे दिया तो वो लोग बोर आ रहा, इसके लिए मैं एवरी फिल्म नावल्टी कहानी लिखते रहता हूँ। एक बार फिर से आपने कहा कि काशी विश्वनाथ आपने की, और फिर से आपने रितेश पांडे पर विश्वास दिखाया, कोई खास वजह इसके पीछे? उनका पास मेरे को एक्टिंग हो जाओ, मेंटालिटी हो जाओ, प्रोडक्शन हो जाओ, सब अच्छा लगा है हमें। अच्छा, पहले मैं दिनेश लाल यादव जी के लेकर इतना फिल्म बनाया, ट्यूनिंग हो गया, ट्यूनिंग होते से मैं अभी तक उतना किया, अभी रितेश पांडे जी से मेरे को ट्यूनिंग हो गया, इसके लिए कंटिन्यू कर रहा हूँ। मतलब आगे भी फिल्में आएंगी? जरूर, क्यों नहीं रुकेंगे। 10 फिल्म करेंगे, 20 फिल्म करेंगे, 25 करेंगे। इस फिल्म में बेसिकली किसी हीरोइन से बात चल रही है, कोई एक्ट्रेस है जिसे आप लेना चाहते हैं? चल रही बात चल रही है, अभी क्या हो गई इसका, काशी विश्वनाथ के लिए ये किया, आज मुहूर्त अच्छा है बोला, इसके लिए मुहूर्त किया, अभी आगे कल परसों हीरोइंस भी मैं पैक करके रिवील करता हूँ कौन कौन है। रितेश जी, आपको प्रोडक्शन नंबर 2 के बारे में कुछ बताया गया कि बेसिकली किस तरह का किरदार होगा रितेश पांडे का, कितना अलग होगा या कैसा होगा बाकी फिल्मों से? अभी सर ने तो बताया कि गांव का लड़का शहर में आता है क्या, अब कुछ करने के लिए, और वहां पे उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स उठानी पड़ती हैं, उस हिसाब की स्टोरी है। पूरी स्टोरी तो नहीं रिवील कर सकते, मगर जब सर नरेट कर रहे थे तो ही इतना मज़ा आ रहा था कि जब हम लोग करेंगे और जब पर्दे पे आएगी तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा। काशी विश्वनाथ का क्या एक्सपीरियंस था रितेश जी और सुब्बाराव साहब का? फैंटेस्टिक, मतलब वहाँ का लोकेशन यानम जहाँ हम लोग शूट कर रहे थे वो से लेके वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, और ख़ास करके हमारे सुब्बा राव सर और SS रेड्डी सर तो लाजवाब हैं, और बहुत अच्छा लगा वहाँ पे काम करके, सारा चीज़ सिस्टमेटिक ढंग से और फैंटेस्टिक, मैं मेरे पास वर्ड नहीं है बताने के लिए, बहुत अच्छा अनुभव रहा वहाँ पे काम करने का। तो काशी विश्वनाथ कब तक आएगी? काशी विश्वनाथ मई में रिलीज़ करेंगे, उनके बाद मैं ये भी शुरू करेंगे शूटिंग प्रोडक्शन नंबर 2 का। यह सबका कारण SS रेड्डी जी है, ये एक्चुअली कैसा है, एक फिल्म करने को बुलाया मेरे को,
भोजपुरी करेंगे, अब बड़ा स्टार को लेके करेंगे, स्टार का डेट नहीं मिल पाया, इसके लिए छोटा ठीक है। बोले तो वह क्या आप करेंगे? बोले तो करेंगे। मैं क्या बोले तो वही किया। शूटिंग में दो दिन बैठ गया आके, उनका बाद गायब भाई, लास्ट में आ गया। मेरे के इधर क्या काम है, आप लोग का काम है, आप लोग पिक्चर निकालो। बट इतना अच्छा इंसान है, तेलुगु में बड़ा प्रोड्यूसर भी है ही है, सीरियल्स निकाल रहा, पिक्चर्स निकाल रहा, सब है ही है इनका है। बट पहले बार प्रोड्यूसर कराएंगे, प्रोड्यूसर SS रेड्डी जी। हेलो रेड्डी साहब, कैसे हो आप? सर बताएंगे आपकी, बेसिकली आप तो जब तेलुगु में इतनी सारी फिल्में बनाते थे, बना भी चुके हैं बड़ी फिल्में, तो भोजपुरी में फिल्म बनाना बेसिकली ये कहां से आ गया है, या फिर कैसे आपने डिसाइड कर लिया कि भोजपुरी सिनेमा करना है? छह साल पहले डिसाइड कर लिया था करने के लिए, थोड़ा मौका नहीं मिली थी, इसमें सर मिला था, देख के वो डिसाइड हो गया करना। अच्छा, क्या मुश्किल होता है, तेलुगु फिल्म बनानी ज्यादा मुश्किल होती है या भोजपुरी फिल्म बनानी मुश्किल होती है? अंडर प्रोडक्शन वैल्यूज देख के रहता है उसके, तो उधर से एनी सिमिलरिटी दैट यू फाइंड बिटवीन द तेलुगु सिनेमा एंड द भोजपुरी सिनेमा? कुछ नहीं, सेम ही है ऑल। सुबह राव साहब बोलिए, तेलुगु क्या बड़ी फिल्मों की बात चल रही थी, हमारे भोजपुरी का कोई आर्टिस्ट कभी तेलुगु में नहीं गया, रितेश पांडे जी को तेलुगु में क्यों नहीं ले जाते, इनकी तो दाढ़ी भी है। एक्चुअली उधर हीरो की इधर लेके आना भोजपुरी में, उधर जूनियर एनटीआर हो जाओ, महेश बाबू हो जाओ, कुछ भी बड़ा स्टार हो जाओ जी, इधर फर्स्ट पहले फिल्में होता है ना जी, इधर भी स्टार यस रितेश पांडे जी को उधर लेके गया तो भी उधर नया स्टार है होता, एक फिल्म जरूर है करने का, वो फिल्म हिट बन गया, सुपरस्टार बन जाते हैं, वहाँ हीरो इधर आया, इधर हीरो उधर गया, सेम चीज है। लेकिन टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं है क्या, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपकी बात। है टेक्निकल पॉसिबल है, सब लोगों कहाँ से आ गया, पहले फिल्म से आ करने गया। वाले भी हैं अभी तेलुगु में, इनको लेके करने को मैं प्लान कर रहा हूँ। यस, ये स्टोरी है नहीं, अलग अलग है, अलग है। नाउ दिस इज समथिंग न्यू दैट कम फ्रॉम यू। ये एक्चुअली क्या है ना, तेलुगु थोड़ा 10 साल आगे है ये, भोजपुरी 10 साल पीछे है ये, टेस्ट वजह से। वो लोग अभी देखो इधर यूट्यूब ही है, यूट्यूब है, आप लोग अभी इंटरव्यू लेके जाकर डाल रहा, सिर्फ व्यूवर्स कितना बढ़ेगा मामूल नहीं बोल सकता हूँ। बट उधर क्या है ना, तेलुगु फिल्म देखने वाला ये नहीं देखते, इंग्लिश मूवीज देखते हैं, इसके लिए उधर यूट्यूब में इतना व्यूवर्स नहीं है, यही कारण है। तेलुगु उधर नॉलेज ज़्यादा हो गया, आगे बढ़ गया, हम लोग अभी आगे बढ़ रहा हूँ इधर भोजपुरी, इसके लिए मैं हम लोग भोजपुरी को लेके बहुत आगे आ गए। हमारा जो पब्लिक है, जो हमारी जनता है, वो उसका टेस्ट कुछ जैसे हम लोग उधर इडली वड़ा चलता है, हम लोग क्या लिट्टी चोखा चलता है, तो वही बात है, थोड़ा थोड़ा टेस्ट का मतलब। नहीं तो आपने कुछ तेलुगु फिल्म, आप इन्होंने कहा कि प्लान कर रहे हैं, तो आपने कुछ तेलुगु सीखनी शुरू की कि नहीं? हाँ, हमने सीखा ना। क्या सीखा बताइए? आई लव यू जरा बोलते दिखाइए। नहीं नहीं, वहाँ पे थोड़ा सा दाएं, थोड़ा सा बाएं को बोलते हैं, कुंचुम लेफ्ट, कुंचुम राइट, ये तो। और किसी चीज को अगर हम लोग जी बोलते हैं, जैसे आनंद जी, हाँ। तो इसको बोलते हैं आनंद गारू, आनंद हाँ, जैसे आनंद आनंद जी इधर आइए, हाँ। तो उसको बोलेंगे आनंद गारू पेलवंडी। अरे सही बात है, राजा कुछ नहीं आता। और कुछ पेलवंडी के बाद अगर मतलब आज जैसे बोलना पड़ेगा कि आनंद जी जल्दी आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए, तो उसको बोलेंगे आनंद जी रेंडी 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 रेंडी। अच्छा, मतलब वर्डिंग का डिफरेंस रहता है। हाँ, सुनने में मजा आया, समझ में नहीं आया लेकिन सुनने में मजा आया। तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि जब ये रितेश जी ये रेंडी रेंडी बोलते हुए जरूर दिखे। और सर कोई बेसिकली हीरोइन की जब बात हम करते हैं, तेलुगु की कोई हीरोइन क्या भोजपुरी में नहीं आ सकती है? क्यों नहीं आएंगे, जरूर आ सकते हैं, इधर हीरोइन उधर जा सकते हैं, उधर हीरोइन इधर आएंगे। बट उधर हीरोइन वो सक्सेस हो गई ना, कबाब आप चाहते क्या, भोजपुर में इतना पैसा नहीं मिलेगा, इधर का उधर का इधर। नहीं, मैं चाहता दोनों इंडस्ट्री साथ साथ रोक रहे, मैं तो ये चाहता हूँ। नहीं, एक ही है टेस्ट भोजपुरी का, तेलुगु का एक ही टेस्ट है, कहानी हो जाओ, बात हो जाओ, टेक्निकल हो जाओ, सब एक ही है। आज क्या है ना, देखो तेलुगु फिल्म डब करके सोनी मैक्स, स्टार गोल्ड, सब जगह प्ले हो रहा, सब लोग पसंद कर रहा, इसके लिए आज भोजपुरी कम है नहीं बोलना। अभी बोला मैं 10 साल वो आगे है, 10 साल पीछे है, नहीं है, अभी 20 साल आगे बढ़ेगा, तेलुगु से ज्यादा बढ़ेगा भोजपुरी, ये 100% है। आज मामला नहीं भोजपुरी है, भोजपुरी में अभी कितने फिल्म रिलीज हुई है? भोजपुर में अभी तक मैं 12 फिल्म रिलीज किया, नाम बताने वो कैसे कही तौर से पैर हो गई, शिवा, आखिरी रास्ता, निर्भव मेल, दिलेर,
जिगरवाला हीरो टाइगर विलन प्रेम कहानी सुनो ससुर जी सब ये फिल्म्स रिलीज हो गया अभी काशी विश्वनाथ तैयार है रिलीज के लिए। सुब्बा जी रितेश पांडे जी को गाना क्या था आपको? गाना मतलब काशी विश्वनाथ में सब गाना यही क्या लिया भोजपुरी क्या है ना नहीं हो पा रहा मेरे को इसमें एक्टिंग भी किया ये सब लोग ये बात है कि हम लोग काशी विश्वनाथ में एक्टिंग भी किए हैं साथ में। अरे वाह फर्स्ट टाइम भोजपुरी में एक्टिंग किया मैं बट ये प्रेजर करो आपको अच्छा है आपका लैंग्वेज अच्छा है अच्छा करो बोल के किया आपको याद है काशी विश्वनाथ का भोजपुरी वाला सर वो वाला बोलते हैं वो बिना अनाउंसमेंट फ्लाइट लैंड किया ये सोच रहे क्या बोलिए ना प्लीज वी वुड लव बिना अनाउंसमेंट फ्लाइट लैंड हो गया ये सोच रहे क्या तू लोग बहुत अच्छा सर के साथ काम करके बहुत मजा आया क्योंकि ये कॉमेडी करेंगे मैं दूसरा चीज के लिए बताते पिक्चर में कोहिनूर जानते बोले तो मालूम है भाई कंडोम है ना अरे कंडोम नहीं रे भाई हीरा ये जैसा पिक्चर में सब कॉमेडी है काशी विश्वनाथ कॉमेडी एंड एक्शन कॉमेडी एक्शन। होली आ रही है रितेश जी होली के बारे में क्या इस बार रितेश पांडे होली कहाँ मनाएंगे? हाँ ये बात था ये साल के बहुत बार अथी बटे हर साल हमने के प्रोग्राम में बिजी रह जात रहनी है जा मगर ये साल हमार माई कहलस कि ए साल क साल से तब बहरी है होलियो के दिन रह जात रह ए साल घरे आ जी तो ए साल हम होली घरे मनाओ तने मतलब पिछले साल हर साल आप हर साल प्रोग्राम में रहत रहे ए साल माई एक के एकदम सख्त हिदायत रहला कि ए साल होली घर आइयो के चाहिए पढ़ल लिखल बाड़ा सा तो हुनियो के मिले सा फिर घरे माई बाप के आशीर्वाद भी मिली जैसे होली कहल जाला कि साल के हम सनातन धर्म के अनुसार साल के पहला दिन होला होली तो वो दिन अगर माई बाप के आशीर्वाद मिल जाए उनका संगे समय बितावे के मिल जाए तो ऐसे बड़ चीज का हो सके। रितेश पांडे की एक सबसे यादगार होली छोटे से थे हम पढ़ते थे नियर अबाउट 9th या 10th में थे तो मंदिर में वो क्या बोलते हैं उसको ठंडाई घोराया था ठंडाई हमको पिला एक हमारा दोस्त हमको पिलाया कम से कम 3-4 गिलास अच्छा लगा तो हम 3-4 गिलास पी लिए अब पी लिए तो एकदम ऐसे ऐसे झूमने लगे अब वही हमारे भैया को जाके दिखा बता भी दिया कि आज आज तो रितेश पियले है 3-4 गिलास ठंडाई ठीक ना अब जो पिलाया वही बता दिया अब जाके हम चुपचाप जाके खटिया पे सो गए हैं और भैया को पता चला तो ले जाके खटिया सहित हमको उलाड़ दिए नीचे उलाड़ दिए तब वो हम हंस के पूछ रहे का हो गई वो हमारा खटिया पर से नीचे फेंक दिल पड़न तब वो हम हंसते जाते नहीं बहुत बढ़िया होली रहे बचपन के याद बहुत खूबसूरत लम्हा होला जना समय में बचपन में आदमी अपना माता पिता के ऊपर रह के को बिना कोनो टेंशन के जीवन व्यतीत करेला बचपन से जवानी में जब आदमी बचपन में आदमी सोचलन कि कब हम बड़ होखी मगर जब बड़ हो जालन तो ये सोचलन कि बचपन में ठीक रहे हमारे तो बचपन के बहुत याद बचपन कभी भी मरने तक अच्छा पसंद है बड़ा बनने के बाद प्रॉब्लम होता है बचपन में क्या प्रॉब्लम है कुछ भी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम बाप मां लेता इसके लिए वो टाइम ये अच्छा दौलत भी ले लो ये शोहरत भी ले लो मगर मुझको लौटा दो बचपन का याद वो बारिश की कश्ती वो बारिश का पानी गाना एक हो जाए फिलहाल होली का। हाँ होली आवता बहुत सारा गाना आयल बारुआ सबके बीच में जो भी हमारे दर्शक श्रोता भगवान लोग बा बहुत प्यार दुलार आशीर्वाद दे ले बा एगो गाना राधा कृष्ण के गैले रहनी हो बहुत बढ़िया सब कोई प्यार देता कृष्ण जी राधा जी से कहत रहे कि जब अह न हमरा से मिले खाती तो तनी हाथ में अबीर ले ले अह कैसे कहले बाटे फागुन काबा फगुनी बयार तुहरा सने बिना सब बाबे कार
काबट फगुन कब फगुनी बयार तोहरा सने बिना सब बेकार तोहके जो हब जमुना के तीर आई तोहके जो हब जमुना के तीर आई हे राधा हथवा में लेके अबीर आई हे राधा हथवा में लेके अबीर आई ह। बहुत बढ़िया। संजय भैया से पहले हम इनका फेवरेट सॉन्ग है। अच्छा, ये कभी किसी लड़की के सामने सच में आपने गाया है ये गाना? बहुत सारे लड़कियों के साथ कभी कभी तो ऐसा हो गया है। किसी की शादी में जाके आपने ये गा दिया? कभी कभी ऐसा हो गया। अब एक मेरे दोस्त, वैसे मैं शादी में कार्यक्रम नहीं करता हूँ शोज, मगर एक हमारा दोस्त था, वो बोला कि तुमको आना ही होगा पटना में, तो मैं गया वहाँ पे। अब बेचारे की वरमाला पड़ रही है, इधर पब्लिक चिल्ला रही है पियावा से पहले, पियावा से पहले, पियावा से पहले। अब भाई पब्लिक जो बोलेगा, हम लोग तो अब स्टेज पे चढ़ गए तो हम लोग अपनी पब्लिक के हैं, अब उनको ना कैसे बोले। उधर बरमाला पड़ रहा है, इधर चालू हो गया पियावा से पहले हमारा लोग। वो बरमाला और माला करके आया, हमको बोला अभी यार तुमको यही गाना गाना था, और वो भी बरमाला के समय गाना था। तो ऐसे ऐसे इंसिडेंट बहुत सारे हैं। आपके जोक से बड़े हिट हैं पीवा से पहले वाले गाने के, जोक बड़े हिट हैं फेसबुक पे। अरे एक जैसे भाई पत्रकारिता तो हमारे लोकतंत्र की चौथी स्तंभ है, तो एक हमारे पत्रकार भाई ने डाला था फेसबुक पे कि देखिए लड़की कितनी ईमानदार है, अगर वो चाहती तो सिम निकाल के फेंक भी सकती थी, सिम तोड़ के फेंक सकती थी और मोबाइल खुद रख लेती, मगर कह रही है कि तुम अपना मोबाइल लेके जाओ। तो उसकी ईमानदारी देखी, बहुत अच्छे से उन्होंने विस्तृत उसका वर्णन किया था, बहुत अच्छा। दो लाइन भी हो जाए, सिम मोबाइल लौटाने वाला भी दो लाइन सुना दीजिए। हां हां, तो अब बात न हमसे होई सुना रे मोहर कर जा दिले बड़ा तू जवान मोबाइल के ले जा तो याद कर जहिया कुमार रहलू पियावा से पहले हम हर रहलू। इसका म्यूजिक और लिरिक्स किसने किया था? इसका लिरिक्स अरुण बिहारी जी ने किया था, म्यूजिक आशीष वर्मा जी ने किया था। उम्मीद करूंगा आपकी जब शादी होगी तो यही गाना बजाएंगे, इसलिए तो अभी नहीं कर रहा हूँ। अरे भैया हम लोग काशी, पहली बार हम लोग काम किए हैं काशी विश्वनाथ में साथ में, और मैं ये बता रहा हूँ कि हम लोग यानम में शूट कर रहे थे, वहाँ पे भोजपुरी लोगों को समझ में नहीं आती है, फिर भी इनका ऐसा म्यूजिक था कि वहाँ के लोग थिरक रहे थे, और सब लोग आके कह रहे थे, जितने भी हमारे डांस मास्टर सर थे कोरियोग्राफर सर, वो आके बोले हमसे कि भैया म्यूजिक बेस्ट। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ ओम भैया का कि इतना अच्छा उन्होंने म्यूजिक दिया। कहाँ बोली तो सब बोलने के बाद आपके बारे में बताता हूँ। काशी विश्वनाथ का म्यूजिक वाकई बहुत अच्छा हुआ है, हमने बहुत मेहनत की थी उसके म्यूजिक के लिए, और रितेश जी ने बखूबी उसको गाया और बहुत प्यार से गाया। सो हम उम्मीद करते हैं कि ये साल का एक अच्छा गाना इस साल आएंगे काशी विश्वनाथ के थ्रू। बहुत अच्छा। और अच्छा, उनकी दूसरी फिल्म प्रोडक्शन नंबर 2 शुरू हुई है, हमने उनकी उसके उस फिल्म के लिए भी सारी तैयारी कर ली है, 7 या 8 गाने होंगे, और आज हम लोग एक गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये काशी विश्वनाथ जैसा ही हो, इसके भी गाने जैसे कि सुब्बा जी रितेश जी बता रहे हैं कि साउथ में भी सबको बहुत अच्छा लग रहा था तो म्यूजिक था, बट हमारी टीम है, हम सब ने बहुत मेहनत की थी और मुझे लगता है कि हमने बहुत अच्छा किया था। आप दोनों से बहुत बहुत शुभकामना रुआ सबके, होली के एकदम चाप के रंग खेली जा, पानी थोड़ा कम खर्चा करी जा, और जौन केमिकल के रंग बाटे सब ओकरा से बची जा, ज़्यादातर अबीर गुलाल के यूज करी जा, और देख ली जा कि अबीर गुलाल रुआ सबके त्वचा के नुकसान ना करे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। होली की शुभकामनाएं।
वाले सभी दर्शकों को अलका झा का सादर प्रणाम है। और आज ये बिल्कुल बहुत ही प्यारी फिल्म प्रोडक्शन नंबर टू का मुहूर्त हुआ है और सभी को बधाई है, हमारे सुब्बा राव जी को बधाई है, डायरेक्टर साहब, और बहुत ही प्यारी म्यूजिक ओम झा जी का है जिसमें कि अभी हम सॉन्ग रिकॉर्ड करने के लिए आए हैं, रितेश रिकॉर्ड करते गए हैं और अभी हमारा और रितेश का डुएट सॉन्ग है वो भी रिकॉर्ड करने वाले हैं। बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं कि फिल्म अच्छी चले। और गाने कितने गाने गा रहे हैं उसमें आप? फिलहाल तो अभी एक गाने और आगे नहीं पता है। रोमांटिक सॉन्ग है जी। और पूरी टीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बस बहुत सारी ब्लेसिंग्स है कि इसी तरह अच्छा काम करते रहें और ये फिल्म सुपर हिट हो। हमारे सॉन्ग्स और वैसे भी जो सॉन्ग रिकॉर्ड होने जा रहा है वो ब्लास्टर सॉन्ग है, आप ऐसा सोच लो, सुपर हिट सॉन्ग है। अभी सुपर आप की बात की जाए जो साउथ के हैं, अब तक उन्होंने भोजपुरी को 12 फिल्में दे दी हैं और सभी फिल्में सुपर डुपर हिट रही हैं और उनकी ये फिल्म का आज मुहूर्त भी है जिसमें आप गाना गा रहे, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? सबसे पहले तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं उनको और आई थिंक ये हमारे लिए बहुत अच्छी अचीवमेंट है क्योंकि एक साउथ का इंसान आकर अगर हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में फिल्में बना रहा है तो बहुत अच्छी बात है और हमें उनका साथ देना चाहिए और हम भरपूर उनकी तरह, हालांकि उन्हें भोजपुरी नहीं आती है लेकिन फिर भी वो इतनी कोशिश 12 फिल्में दे चुके हैं तो बहुत सारी ब्लेसिंग है, तो वैसे ही फिल्में देते रहें। और जिसमें कि शायद काशी विश्वनाथ अभी आने वाली है और प्रोडक्शन नंबर 2 आज मुहूर्त हुआ है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं हमारी सुब्बा राव जी। आज अलका जी शुभकामनाओं के साथ ही होली भी नज़दीक है तो अलका जब बात होली की होती है तो ढेर सारी मस्ती, ढेर सारा रंग, ये सब याद आता है। अलका जी खुद बड़ी रंगीन है मैं जानता हूँ और गाने उनके बड़े रंगीन रहे हैं तो कौन सा गाना आपको याद आता है जब होली की बात होती है, स्पेशली विनोद के लिए? अच्छा, और वैसे काफी एक्सपीरियंस है आपको कि मैं बड़ी रंगीन हूँ ये मुझे आज पता चला है। और होली की बात की जाए तो बहुत सारे सॉन्ग्स आए हैं जिसमें कि सबसे अच्छा सॉन्ग चला है वो खेसारी जी के साथ डुएट सॉन्ग आया है, क्या है, होली में पैंट रबड़ के पैंट खुल जाई ऐसा कुछ है और काफ़ी अच्छा सॉन्ग चला है, लोगों ने पसंद किया है। और वैसे जी म्यूज़िक से आया है 2 सॉन्ग मेरा, वो बहुत अच्छा चला है। आज टी सीरीज से एक सॉन्ग आया है तो नाम मत बताइए, एक सुनाइए भी। अच्छा सुनाई भी, जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो एक सॉन्ग था यही फागुना में बाबा मोर दिहले गावन यही फागुना में बाबा मोर दिहले गावन। ये बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है जी म्यूजिक से आया है, थैंक यू। वैसे बहुत सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे, जैसा कि आपने बोला कि मैं बड़ी रंगीन हूँ तो मुझे रंगीन सॉन्ग ही ज्यादा पसंद आएगा। कि कहाँ बड़ा है हमर तोता, होलिया में कुछ कुछ होता, कहाँ बड़ा है हमर तोता, होलिया में कुछ कुछ होता, कुछ कुछ होता रामा कुछ कुछ होता, अरे थोड़ा बिना सुन बटे खोता, होलिया में कुछ कुछ होता। थैंक यू सो मच अलका जी। आपका एक गाना है जो कि बड़ा धूम मचाता है, आज भी जो है याद करते हैं, लुलिया जी। नहीं अभी तो फिलहाल आरा की आवारा भी बहुत अच्छा चला था और अभी एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग मैंने तुझको सजन चुन लिया जो 7 घंटे में 10 मिलियन मतलब कि 10 मिलियन सॉरी 1 मिलियन हुआ था, चुम्मा गगरी भर के दी है, मेरा और पवन जी का डुएट सॉन्ग था। तो अभी काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स चल रहे हैं और फिल्टर के पानी अच्छा चला था। एक बार लुलिया का मांगल हो जाए जो आपके नाम मिला। लुलिया मांगेले लुलिया का मांगेले लुलिया तोहरा जैसन लमहर भतार मांगेले लुलिया तोहरा जैसन लमहर भतार मांगेले। अलका जी बात पे रिलीज हुआ है मेरी बहुत ही प्यारी फिल्म क्रिक फाइटर का जिसमें कि भतार लिखा मरद मजा दी ही ऐसा कुछ सॉन्ग, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है तो उस फिल्म को भी आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स दे और 21 तारीख को रिलीज हो रही है सब जगह क्रिक फाइटर, तो आप लोग उसको भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिए। क्रिक फाइटर कितने गाने हैं? एक गाना है पवन जी के साथ डुएट सॉन्ग है और आई थिंक उस फिल्म का सबसे सुपर हिट सॉन्ग है जहाँ तक जो मैंने सुना, अभी रिलीज हुआ है आप लोग ट्रेलर देख सकते हैं यूट्यूब पर, वेब चैनल से रिलीज हुआ है। तो होली पर रिलीज हुई है तो ऑडियंस क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल होली पर रिलीजिंग है और इस फिल्म को आप लोग बहुत सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए और जैसे हर फिल्मों को आप लोग इतना सारा प्यार देते हो उसी तरह क्रिक फाइटर के सारे सॉन्ग्स को और फिल्म को भी बहुत सारा प्यार दीजिए। अलका जी बात करें आज जहाँ पे ओपनिंग हो रही है,
हाँ बिल्कुल, आई थिंक कल ही ये स्टूडियो खुला है और आज जो मुहूर्त है तो अच्छी बात है, शुभ आगाज़ अच्छा है तो अंजाम भी अच्छा होगा। और FMS स्टूडियो और पहली फिल्म आई थिंक आज मुहूर्त हुआ है इस स्टूडियो में, तो बिल्कुल सभी को बहुत सारी बधाई है। हमारे ओम झा जी को भी बहुत सारी बधाई, उन्होंने आज स्टूडियो की ओपनिंग की और एक अच्छी फिल्म से, अच्छे सॉन्ग से ओपनिंग की है जिसमें आपकी आवाज़ भी शामिल, जिसमें मेरी आवाज़ भी शामिल है। यस यस बिल्कुल। रितेश पांडे जी, और आपने जो गाना गाया, क्या? हाँ, प्रोडक्शन नंबर टू बहुत ही प्यारा सॉन्ग है मेरा और रितेश जी का, डुएट सॉन्ग है और लविंग सॉन्ग है और अभी हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं तो थोड़ा सस्पेंस है, हम गाने के बोल नहीं बता सकते। दर्शकों को होली की शुभकामनाएं। बिल्कुल, सभी हमारे सभी दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और अच्छे से होली खेलिए, खूब रंग के साथ खेलिए, खूब मस्ती कीजिए और मुझे भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिए। हैप्पी होली, थैंक यू।